sama-sama di dalam bahaya angkatan Allah. Jadi tumne sinane chuna bhogne bhogne ka kaam kiya hai aur ye jahil pradhanmantri Narendra Modi main challenge ke saath kehta hu main challenge karta hu ki main matric pass hu main apna kaagzat phalo dikhane ke liye taiyar hu ae Narendra Modi tum agar pahane ka ho to bhaag ke 1,30,000,000 log janna chahta hai ki tumhara degree kya hai tum jab tak degree nahi dikhaoge jab tak tum degree nahi dikhaoge tab tak main jahil bolta rahunga और ये टपलू ये धनिया ये मोटू जो अमित शाह इसका हम लोग राज नहीं जानते हैं सोहरावती निंदाउंगर केस का अभियुक्त है सोहरावती निंदाउंगर जो करवाया था उस केस में वो जेल गया था अमित शाह और उसको जेल जाना पड़ा था उसके बाद कोर्ट ने उसको भेज दिया था उसमें लिखा दिया था पहली बार यानी जब तक इस केस का डिसीजन नहीं हो जाता है तब तक इस राज से बाहर आना पड़ेगा हम लोग जानते हैं तरीपार तुम किस कैटेगरी का आदमी हो लेकिन जिस कुर्सी में तुम बैठे हुए हो उस कुर्सी को मैं सलाम करता हूं और जिस कुर्सी में तुम बैठे हुए हो प्रधानमंत्री हमारा देश का प्रधानमंत्री का कुर्सी है मैं उसको सारे 1,30,000,000 लोगों को सलाम पेश करता हूं उस कुर्सी को तुमने उस कुर्सी को हम लोग जानते हैं हमारा भारत का मालिक है लेकिन इन दोनों का जो कारनामा है इन दोनों का कारनामा को मैं जीवा मारता हूं इन दोनों कुर्सी को मैं सलाम करता हूं लेकिन इन लोगों का जो कारनामा है इन दोनों कारनामा इन दोनों कुर्सी को मैं सलाम करता हूं इन दोनों का कारनामा को मैं जीवा मारता हूं और जानते हैं कि 17 साल का उम्र में नरेंद्र मोदी आदर से नागपुर में जाकर के ट्रेनिंग ले रहा था वही बसोबास हो गया था उसके बाद 25 या 26 साल में घर आया था उसका माँ बाप जबरदस्ती उसको शादी करा दिया था शादी के दूसरे दिन ही नरेंद्र मोदी घर से भाग गए थे आज तक वो देवा है नरेंद्र मोदी तुम अपना टीवी का नहीं हुए तो तुम भारत का आवाम का क्या हो गए और नौजवान भारत का मुसलमान 30 करोड़ मुसलमान ना तुम्हारे ऊपर कभी भरोसा किया था ना अभी करता है ना ही आगे करेगा मैं ये गर्व से कहना चाहूंगा और ये भी बात सुन लिया डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है एक आदमी कभी निकाल नहीं सकेगा मैं चैलेंज करता हूं एक आदमी को जिस दिन ले जाएगा उस दिन 100 आदमी को आगे खड़ा कर देना है और 100 आदमी को जिस दिन ले जाएगा उस दिन 1,000 आदमी को आगे खड़ा कर देना है जिस दिन 1,000 आदमी को ले जाएगा उस दिन 1,00,000 आदमी को आगे खड़ा कर देना है और जिस दिन 1,00,000 आदमी को ले जाएगा उस दिन 1,00,000 आदमी को आगे खड़ा कर देना नरेंद्र मोदी को क्या अमित शाह को क्या उसका पाप भी नहीं मिल पाएगा और मैं आप लोगों को कह दू किसी को आधार कार्ड दिखाने का जरूरत नहीं है कोई भी आकर के कहे कि कागज दिखाइए कागज नहीं दिखाया है यही एनपीआर का दूसरा को एनआरसी है और एनआरसी ने किया तो फिर सीए आपके लिए कानून बन गया है इसीलिए उसका चपेट में हम लोगों को नहीं आना है किसी का बैकअप में नहीं आना है मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूंगा क्या अमित शाह से पूछना चाहूंगा जो ढोंगी बाबा को तुमने यूपी का जो मुख्यमंत्री बनाया है ढोंगी बाबा को मुख्यमंत्री जो बनाया है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ते हैं वहां हिंदू के भी बच्चे पढ़ते हैं सिख भाई का भी बच्चे पढ़ते हैं ईसाई भाई का भी बच्चा पढ़ते हैं तुम गुंडों के तहत तुम अपना जो गुंडा पुलिस पाल कर रखे हो यूपी में उसको तुम पिटवाया बच्चों को यही कानून है तुम्हारा ढोंगी बाबा से तुम बच्चे को पिटवा रहे हो आज जामिया में सिर्फ इसी तरह से किया लड़कों को पिटवाया लड़की को पिटवाया ये जेएनयू में सिरों से पिटवाया बच्चे को इसलिए एजुकेशन को खत्म करना चाह रहा है ये चाह जान रहा है कि हम एजुकेशन को अगर खत्म कर देंगे तो हम उसी तरह से हिंदू मुसलमान सवेरे उठ करके हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये तीन वर्ड डालना
के पास बचिया है, पूरे भाजपा के पास 3 वोट बचिया है, हिंदू मुसलमान